हाय एवरीवन वन यू ऑल गाइस आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जेके एस एस बी पुलिस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट फोर अभी तक हम तीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर चुके हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका इसमें वन ट्वेंटी क्वेश्चन रहते हैं वन फिफ्टी मार्क्स के तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज़ द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड आपने बताना है नेशनल अकेडमी ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर लोकेटेड है देहरादून में हैदराबाद में न्यू डेली में इटानगर में इसका सही आंसर है हैदराबाद में सो so, हमारे पास आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का बी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका जो माइंड mind है माइंड सेट हमें इनमें से किस में देखने को मिलता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स या फिर पियम्बल इसका सही आंसर है डी पीम्बल एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो जितनी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो आपको पीम्बल में देखने को मिल जाएगी सबसे पहले दुनिया में प्रियम्बल यूएस का आया था कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पहले यूएस का ही आया था आपको याद रखना है हमारे प्रियम्बल की जो शुरुआती लाइन है वो है द वी द पीपल ऑफ़ इंडिया ये आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है पार्ट फोर में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ uh, आपकी आती हैं पार्ट फोर ए में आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है फंडामेंटल डी पी एस पी में आपका जो आर्टिकल आई थिंक फिफ्टी है हाँ फिफ्टी आर्टिकल कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिश्री फ्रॉम द एग्जैक्यूटिव ठीक है और फिफ्टी वन कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जस्टिस सो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो हो जाएगा डी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रेनबो काइलेशन एक टर्म डिराइव किया है पॉलिटिक्स से और ये किसकी पॉलिसीज थी रेनबो काइलेशन प्रणब मुखर्जी की थी बराक ओबामा की थी मिठ रोमने की थी ए बी वाजपेयी जी की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसका सही आंसर है ये बराक ओबामा जी की पॉलिसीज़ और

एम एस स्वामीनाथन वी वी गिरी वर्गीस कुरेन इसका जो सही आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को ही हम नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एम एस स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इनको हम कहते हैं ठीक है जी आपको याद रखना है सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बैरोमीटर मीटर वॉज इन्वेंटेड बाय बैरोमीटर क्या होता है ये एटमोसफेयरिक प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता ये instrument है ये इंस्ट्रूमेंट है एटमोसफेयर प्रेशर को मेजर करने का इसको किसने इन्वेंट किया था टॉरी ने चार्लिस थॉमस ने एडवर्ड टेलर ने गुस्ते चॉस्टिक ने तोसिक ने सॉरी गुस्ते तोसिक ने इसका जो सही आंसर है वो है टॉरी सिली ने जो है बैरोमीटर को इन्वेंट किया था सो so, हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइमन कमीशन को बनाया गया था किस चीज़ का रिव्यू करने के लिए किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए कब बनाया गया था उन्नीस सौ में बनाया गया था लेजिस्लेचर्स uh, इंडिया में उनके उनको रिव्यू करना था फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इनको करना था पोजीशन ऑफ द वॉइस रोए या फिर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इसका जो सही आंसर है वो है फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स इसके लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था साइमन कमीशन को बैक बायोकॉट किया था हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने बिकॉज इसमें जितने भी मेम्बर्स थे वो सारे गोरे लोग थे वाइट पीपल थे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में गुवाहाटी में चेन्नई में श्रीनगर में एंड द करेक्ट आंसर इज चेन्नई में चेन्नई में है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सो सी विल बी द राइट आंसर या नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स के प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन सा सब्सटांस को यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोइट विनेगर सोडियम क्लोराइड पोटेशियम पर इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सोडियम बेंजोने

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ डेली सल्तनत फीसड मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स इनमें से कौन सा दिल्ली का दिल्ली सल्तनत का वो रूलर रहा जिसके टाइम पे मंगोल अटैक सबसे ज़्यादा हुए अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर लोदी फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी इसका जो तो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है मंगोल के अटैक्स वगैरह हुए थे सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोविंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हज़ ज्यूरिस्ट्रिक्शन ऑल ओवर इंडिया इनमें से कौन सी भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी ज्यूरिस्ट्रिक्शन पूरे भारत में है दिल्ली यूनिवर्सिटी जे एन यू विश्व भारती शांति निकेतन संपूर्ण नंदा संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी इसका जो सही आंसर है वो है डी सम्पूर्ण नंदा संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी इसका जो ज्यूरिस्ट्रिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है सो डी विल बी द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टीबी ट्यूबल क्लोसिस जो है वो किससे कॉज होता है बैक्टीरियम से वायरस से फंगस से प्रोटोजोआ से इसका जो सही आंसर है ये बैक्टीरियम से होता है टीबी इसका बैक्टीरिया का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सो so यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लजीज फेयर सिस्टम इनमें से लजीज फेयर सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पे मार्केट फोर्सेज हाईली रेगुलेटेड होती हैं ये एक सोशलिस्ट सिस्टम है या फिर मैक्सिमम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है इसका सही आंसर है ए लजीज फेयर सिस्टम वो है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है तो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई थी कहाँ पर दिल्ली में जयपुर में आगरा में या अमरकोट में इसका जो सही आंसर है वो है आगरा में बनाई थी शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनाई थी दिल्ली में भी एक मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी वो बनाई थी औरंगजेब ने ठीक है दिल्ली की मोती मस्जिद बनाई थी और एग्जाम ये आपको याद रखना है आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर किसने क्या बनाया था एक एक बार रिव्यू हम उसका देख लेते हैं देखिए अकबर ने क्या क्या बनाया था सबसे पहले अकबर अकबर ने बनाया था रेड आगरा फोर्ट आगरा फोर्ट बनाया है अकबर ने पंचमहल पंचमहल बनाया है अकबर ने पंचमहल जामा मस्जिद जामा मस्जिद जामा जिसके साथ बुलंद दरवाजा है जामा मस्जिद विद बुलंद दरवाजा ये बनाया था अकबर ने और हुमायूं का टोम्ब ठीक है वो भी बनाया है अकबर ने इसके बाद हम जहांगीर का देखते हैं जहांगीर ने क्या क्या बनाया है जहांगीर ने बनाया है शालीमार बाग ठीक है शालीमार बाग निशांत बाग वगैरह और इसके बाद है अकबर का टॉम्ब अकबर का टॉम्ब भी इन्होंने ही बनवाया है ठीक है और इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या बनाया था शाहजहां तो बड़े ही फेमस है शाहजहाँ शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई थी जो हमने अभी पढ़ी तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो बनवाई थी किसने शाहजहां ने आगरा की ठीक है So, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रेगुलेशन बालबन ने शेरशाह सूरी ने अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेगुलेशन को अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था सो so, हमारे पास डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी मुगल एम्पायर के लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं मोस्ट पावरफुल लास्ट रूलर कहा है मैंने लास्ट रूलर नहीं कहा इनके बाद भी रूलर्स आए थे लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो थे वो यही थे इनके बाद जो आए उनके बीच में आपस में ही सक्सेशन वॉर जो थी वो चल रही थी सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से करेक्टली मैच आपने स्लोगन्स बताने हैं जवाहरलाल नेहरू डू आ डाई दिल्ली चलो महात्मा गांधी जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री स्वराज राय स्वामी दयानंद इसका जो सही आंसर है वो है जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था डू एंड डाई का दिया था किसने महात्मा गांधी जी ने दिल्ली चलो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज इसमें राइट दिया था तिलक ने ठीक है ये आपको याद रखना है बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ठीक है तो ये हो गए हमारे सो सी विल बी द राइट आंसर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से फॉलोइंग अमेंडमेंट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं वो कौन सी है सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट द करेक्ट आंसर इज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं सो बी विल बी द राइट आंसर बहुत सारी अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आधे से ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू नेक्स्ट है वट हैज बीन अ मेजर फीचर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस इन द पास मेजर जो फीचर है सक्सेसफुल बिजनेस का इन द पास्ट वो है पार्सलिंग आउट द कंपोनेंट्स फॉर प्रोडक्शन एट द चीपेस्ट कॉस्ट वर्ल्ड वाइडा सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेब एनेबल्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड लोवरिंग द्लेब्स टू मेक ट्रेड कॉम्पिटेटिव एंड इसका जो सही आंसर है वो है पार्सलिंग आउट द कॉम्पोनेट्स फॉर प्रोडक्शन एट द चीपेस्ट कॉस्ट वर्ल्ड वाइड ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर फीचर है हमारे सक्सेसफुल बिजनेस का इन द पास्ट टिकेज सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है

और बाकी आपको पता ही है बुद्धिज्म चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी वो आपको याद होनी चाहिए चौथी जो है वो कहाँ पे हुई थी कश्मीर कुंडलवाना में ठीक है वो कनिष्का ने करवाई थी और पहली किसने कराई थी अजात शत्रु काल अशोका अशोका और कनिष्का राजगृह वैशाली पाटलिपुत्रा और कश्मीर ठीक है और लास्ट वाली में महायाना और हीनयाना सेक्ट में ये डिवाइड हो गए थे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमको याद रखनी है नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपने हमें बताना है कैरिबियन आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया में फिलीपींस में या इंडोनेशिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है तो हमारे पास बी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑर्गेनली इन सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए सेल में सेल का वो कौन सा ऑर्गेनली है न्यूक्लियस को छोड़ के जहां पे डीएनए होता है तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया सो so, डी विल बी द राइट right आंसर माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं So, D will be the right here. Next, हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है थ्री पॉइंट मेगा जोल का होता है ए विल द राइट आंसर ही नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच इज द हब ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन कट फ्लावर्स कट फ्लॉर्स में हब कहाँ पे है जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड होता है कटफ्लार्स का नीदरलैंड में जर्मनी में जापान में कोलंबिया में नीदरलैंड इसका हब है सो ए विल बी द राइट आंसर ठीक है हॉलैंड नीदरलैंड नेक्स्ट है इन विच बैटल वॉज सिराज उद्दौला बाय बाई लॉर्ड क्लीव सिराजुद्दौला को डिफीट किया था लॉर्ड क्लीव ने कौन सी बैटल में बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ हल्दी गाटी इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को लॉर्ड लौ, लौ, क्लीव ने हराया था तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी गाइस बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ट्वेंटी ऑफ जून 1757 को हुई थी और किसके बीच में हुई थी आपको पता लग गया सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव के बीच में बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो ये 22 23 अक्टूबर को हुई थी सेवनटीन फोर में ठीक है ये भी आपको याद रखना है बैटल ऑफ बॉक्सर इसके बाद आपकी आती हैं पानीपत की तीन लड़ायाँ हुई थी ये आपको पता होना चाहिए पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में बाबर जीत गया था 1526 में सेकंड जो हुई थी हमारी वो हुई थी हेमू और अकबर की साइड से बैरम खान था 1556 में हेमू और बैरम खान बैरम खान जीत गया था फिफ्टीन में थर्ड जो हुई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और ये हुई थी 1576 में ठीक है तो ये या आपको याद रखना है बैटल ऑफ हल्दी घाटे की बात अगर हम करें 1576 में ये हुई थी सॉरी ये ये हुई थी 1761 में 1761 बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी 1576 में और महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह जो अकबर की साइड से थे उनके बीच में ये हुई थी ठीक है तो ये बैटल्स थी आपको या याद होनी चाहिए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है बैटल ऑफ प्लासी सो ए विल बी द राइट आंसर हि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ईयर में कैप्टन राकेश शर्मा जो स्पेस में ट्रेवल किए थे इन द सोवियत स्पेस प्रोग्राम कब गए थे वो 1981 में 1982 में 1983 में 1984 में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1984 में 1984 में हमारी तरफ से पहले ये स्पेस टूरिस्ट है जो यहाँ से गए थे राकेश शर्मा जी और इस सोवियत स्पेस प्रोग्राम में गए थे यूएसएसआर के साथ ठीक है और जब इंदिरा गांधी जी ने इनसे बात की रेडियो पर तो उन्होंने पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है तो राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा ठीक है तो ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे क्लिप सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कम्स अंडर दिच ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज जो फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट है वो इनमें से कौन से मिनिस्ट्रीज में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फर्टिलाइजर केमिकल्स फूड प्रोसेसिंग कंज्यूमर अफेयर्स इसका जो सही आंसर है वो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में फार्मास्यूटिकल्स आते हैं सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए उनकी जो वेव्स हैं कौन सी वेव हम यूज करते हैं माइक्रोवेव रेडियो वेव एएफ एम या एफएम तो हम यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव्स ठीक है सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आफ्टर द बैटल ऑफ पक्सर ठीक है बैटल ऑफ पक्सर मैंने बताया कब हुई थी कब हुई थी चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कब हुई थी अभी बताया ना मैंने जो नवाब थे कौन से नवाब थे सिड इलाहाबाद एंड कोरा टू द मुगल एम्परर तो इन्होंने मुगल एम्पायर को अपना दे दिया था कौन से नवाब थे ये हु केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स जो ब्रिटिश ट्रूप्स के अंडर आ गए थे बनारस भोपाल बहलपुर या फिर भवलपुर या फिर अवध इसका जो तो सही आंसर है वो है अवध जो नवाब ऑफ अवध थे बैटल ऑफ बक्सर में वो हार गए थे ठीक है डी विल बी द राइट आंसर और कब हुई थी अभी बताया था 22 23 ऑफ अक्टूबर 1764 में ठीक है चलो नेक्स्ट है एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाई एक्स रेज को किसने डिस्कवर किया था फेराइडे ने रोएंट ने डेवी ने लेवोइजर ने इसका जो सही आंसर है वो है रोइंटिंग सो बी जो है हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ जो हमारी बॉडी का वेट है वो किसकी वजह से ज़्यादा होता है बोन्स पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ स्किन या फिर वाटर पानी की वजह से आधे से ज़्यादा तो पानी है हमारे अंदर सो डी विल बी द राइट आंसर हमारा जो वेट है वो मोस्टली पानी की वजह से होता है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कौन सा ऑर्गन है जो फैट सोल्यूबल विटामस को स्टोर कर करके रखता है सबसे पहले तो जो वाटर सोल्यूबल है वो कौन से बी जितने भी बी वाले हैं विटामिन और जो भी सी हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं ठीक है ये आपको याद रखना बाकी जितने भी हैं वो फैट सोल्यूबल हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ पर स्टोर होता है ब्लड में स्किन में लीवर में या पैनक्रियाज में इसका सही आंसर है लीवर में तो सी विल भी बनाया जाता है विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिटवीन uh, द ट्वेंटी बिटवीन द टू थाउजेंड वन एंड टू थाउजेंड इलेवन सेंसेस इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट गरीव की है कितने परसेंट बड़ी है ट्वेंटी पॉइंट सेवेंटी सेवेंटीन पॉइंट सेवेंटी फोर्टीन पॉइंट फोर्टी ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर्टी इसका जो सही आंसर है वो है सेवेंटीन पॉइंट सेवेंटी परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन इस ईयर्स में बढ़ी थी सो भी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इको मार्क एक हाँ, सिंबल है goods, goods, goods ये किससे रिलेटेड है एक्सपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट बेस्ट क्वालिटी ये गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट मार्क इससे रिलेटेड है सो सी विल बी द राइट आंसर जो भी प्रोडक्ट्स जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे उन पर मार्क का निशान होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एपीकल्चर हनी बी सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म पिसिकल्चर इंसेक्ट ऑफ फ्लैक हॉर्टिकल्चर फ्लावर इसका जो सही आंसर है वो है पीसी कल्चर इंसेक्ट ऑफ फ्लैग अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे से वो है अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज पर द पेपर गोल्ड पेपर गोल्ड के हिसाब से पेपर गोल्ड को हम आ, कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट से नापते हैं यूरोडॉलर डॉलर जी डी आर एस डी आर इसका जो सही आंसर है वो है एस डी आर एस डी आर क्या होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ठीक है तो ये हो गया हमारा डी से ही आंसर इस क्वेश्चन का पेपर गोल्ड को हम एस डी आर में नापते द डाइजेस्टिव जूस इन आर स्टॉम कंसिस्ट मेनली ऑफ जो डाइजेस्टिव सूट हमारे डाइजेस्टिव digestive... जूस जो हमारी बॉडी में होता है हमारे स्टमक में होता है मेनली इनमें क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एसिटिक एसिड होता है हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे बस ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट प्रेजिडेंशियल रेप्रेजेंटेटिव डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ पर रेप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो हमारे बिहाव पे फिर आगे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली से बैठकर डिसीजन लेते हैं सी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हु फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन में कौन जाके पहला भारतीय बैठा था रामानुज अनुज एसी वाणिया सी वी रमन पी सी महालनुस इसका जो सही आंसर है वो है ए सी वाड़िया सो बी विल बी द राइट आंसर है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हु आर मोहीर्स मोहजीर्स कौन है माइनॉरिटीज अहमदिया मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान ट्राइब्स मैन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मुस्लिम्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया फ्रॉम द पार्ट नाउ आउटसाइड पाकिस्तान बट ऑप्टेड टू लिव इन पाकिस्तान पाकिस्तानीज़ ऑफ़ सिंध रिजन महाजीज वो मुस्लिम्स हैं अनडिवाइडेड इंडिया के जो फ्रॉम द पार्ट नाउ आउटसाइड पाकिस्तान बट अभी वो जो है पाकिस्तान में रहना और रह पाकिस्तान में रह रहे हैं ठीक है सो सी विल भी द राइट आंसर ही हो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच वेवस आर यूज इन सोनोग्राफी सोनोग्राफी में हम कौन से वेव्स का यूज़ करते हैं माइक्रोसाउंड इन्फ्रा एंड अल्ट्रासाउंडिक इसमें हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंडिक वेव्स डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंट डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं आठ मार्च को पंद्रह अप्रैल को पाँच जून को पंद्रह सेप्टेम्बर को हर साल हम एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं पाँच जून को ठीक है पांच जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है तो ये बिल्कुल सही आंसर है जून को हम योगा डे 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 सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको याद रखना है योगा योगा थीम क्या थी की की और एनवायरनमेंट वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पर लोकेटेड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुंबई कोलकाता चेन्नई मैसूर इसका सही आंसर है मैसूर में सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक फ्लैग में कितनी रिंग होती है चार पाँच छह सात ओलंपिक फ्लैग्स में रिंग्स होती ये या आपको याद रखनी है ऐसे बनी होती है रिंग्स ठीक है इनके कलर्स भी आपको याद रखने हैं किसी और वीडियो में मैं इनकी कलर्स की बात करूंगी जैसे कि येलो जो है वो एशिया के लिए होता है ब्लैक जो है वो अफ्रीका के लिए होता है रेड जो है वो अमेरिका के लिए होता है ब्लू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है और ग्रीन जो है वो वो होता है यूरोप के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा बी आंसर नेक्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ओरिजिनल ठीक है ओरिजिनल कॉपी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो किसने लिखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजू गोपाल ने प्रेम बिहारी रायजादा ने बाबा साहिब अंबेडकर ने ये लिखी थी प्रेम बिहारी रायजादा जी ने सो सी विल बी द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मसल्स गेट टायर्ड वेन देयर इज शॉर्ट फॉल ऑफ हमारे जो मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाती है किसकी कमी से लैक्टिक एसिड सोडियमाइंस ए टीपी सल्फेट इसका जो सही आंसर है वो है सी ए टीपी ए टीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज नॉट मूविंग हैंग हो गया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एटीपी ए टीपी क्या होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ठीक है सो सी विल बी द राइट आंसर ही नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाय द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है किसकी एक्सेसिव सीक्रेशन से थायरोक्सिन टेस्ट्रोसिन एस्ट्रोडियोल या एस्ट्रोल इसका जो सही आंसर है वो है क्सिन ठीक है थायरॉड ग्लैंड सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्नड विद जो क्वारंटीन हमने देखा कि क्वारंटीन किया गया कोविड वायरस के बीच में भी तो वो किससे कंसर्न है ग्रोइंग ऑफ बेटर वराइटीज ऑफ प्लांट प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ओवर डिजीज प्लांट्स या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ डिजीज ऑर्गेनिज्म इसका जो तो सही आंसर है वो है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज आंसर कितने दिन का क्वारंटीन किया जा रहा था शुरुआती दिनों में वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट है विच गैस अमंग द फॉलोइंग जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं लाफिंग गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड द करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपका ये मैथ्स में से है मैथ्स का सेक्शन जो है रीजनिंग का ठीक है तो आपके पास ये क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कि यहाँ एंड में क्या आएगा ठीक है आपने ये सीरीज़ देखनी है और यहाँ एंड में बताना है क्या आएगा आपके पास ऑप्शन है जेड एच आई बी एन आर क्यू एच इसका सही आंसर है क्यू एच अब ये कैसे आया है ये मैं आपको अगली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेनेशन लगाई है आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पॉ कैट हुफ तो इसमें आपने बताना है जैसे कि कैट के पाओ को हम पॉ कहते हैं तो हुफ किसके पैर को हम कहते हैं डंकी के लाइन के एलिफेंट के हॉर्स के हुफ हम कहते हैं हॉर्स के पैर को सो डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास सेवन इज़ टू थर्टी फोर एज़ फाइव इज़ टू थर्टी थ्री थर्टी फोर फिफ्टी फ़ोर फोर्टी वन इसका सही आंसर है फोटी वन डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा कैसे आया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्शन दिया हुआ है फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर बिलो चूज द करेक्ट आल्टरनेटिव असर्शन हमारे पास है प्लूटो इज द कोल्डेस्ट प्लानट रीजन है इट रिसीव द स्लैंडिंग रेज ऑफ द सन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल ए इज़ फॉल्स आर इज ट्रू इसका सही आंसर है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स सो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लूटो बीइंग फारदेस्ट फ्रॉम द सन हार्डली गेट्स द सन रे सो प्लूटो इज द कोल्डेस्ट प्लानेट नेक्स्ट हमारे पास है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन हर्ष ने कहा हिज फादर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर सन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन एट वूज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग हिज सन हिज़ कजन हिज अंकल हिज नेप्यू एंड द करेक्ट आंसर इज हिज़ सन सो ए विल बी द राइट आंसर ही अच्छे से पॉज करके इनको आप देखना और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास question have choose the word which is least like the other words in a group day calendar date month इसका सही आंसर है कैलेंडर देखिए जो कैलेंडर है इसके ही अंदर आपको मंथस डे और डेट मिल जाएंगे तो कैलेंडर जो है ये अलग है कैलेंडर के पार्ट्स हैं ये बाकी सो so, बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कोडिंग दिया हुआ है आपके पास इफ़ रोज इज कोडिड एज सिक्स एड टू वन चेयर इज कोडेड एज सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स और प्रीच इज कोडिड एज नाइन सिक्स वन फोर सेवन थ्री वॉट विल बी द कोड फॉर सर्च ऑप्शन दिए हुए हैं इसका सही आंसर है टू वन फोर सिक्स सेवन थ्री सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन वाट प्रपोशन वुड करण एंड अल्ताफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग दैम राजिफ ऑफ द प्रॉफिट करीम एंड अल्ताफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट ठीक है आपके पास ऑप्शन दिए हैं इसका सही आंसर है इफ द डेटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन ठीक है सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट टू विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग ईस्ट वेस्ट साउथ डेटा इज इन एडिक्यूएट इसका आंसर है साउथ सो सी विल बी द राइट आंसर हियर यहां पे देखिए सनराइजेज़ इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग सिंस द शेड्यू ऑफ सुरेश फॉल्स टू हिज राइट सो ही इज़ फेसिंग साउथ ऑब्वियसली ठीक है सो so नेक्स्ट हमारे पास है आपने बताना है बिलो फिगर में यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा फोर थ्री टू वन इसका जो तो सही आंसर है वो आ जाएगा वन ठीक है सो so यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है आपको अच्छे से फिगर देखना नई सॉल नई सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस आपके पास ये दिया है मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपने इनको लगाना है ये आपके पास नीचे कोड्स दिए हुए हैं इसका जो सही आंसर है वो है बी ठीक है स्कल आ जाएगा पहले फिर फेस आ जाएगा नेक आ जाएगा शोल्डर आ जाएगा हैंड आ जाएगा और ऐसे ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा सो बी विल बी द राइट आंसर ठीक है अभी नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेज कैरेट फूड वेजिटेबल हमें पता है कि ये हमारे पास वेजिटेबल हो जाएगी ठीक है और इसके अंदर आ जाएगी हमारे फूड और फूड में आ जाएगा हमारा कैरेट सो ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सिंबल सेट ऑफ सिंबल्स विच विल फिट इन द गिवन इक्वेशन फाइव जीरो थ्री फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी हमने ये साइंस यहाँ पे लगाने सो दैट एंड रिजल्ट हमारे पास ट्वेंटी आएगा सो so, इसका जो सही आंसर है वो है फाइव माइनस ज़ीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी सो वी विल बी द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइन द रोंग नंबर इन द गि सीरीज एट ट्वेंटी सेवन वन टू फाइव थ्री फोर थ्री वन थ्री एट वन रॉन्ग सीरीज बतानी है ये है वन थ्री एट वन जो है वो रोंग है कैसे आएगा यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे देखिए गिवन सीरीज जो है वो प्राइम नंबर के क्यूब्स को फॉलो कर रही है सो ये जो है हमारे पास कहा गया वन थ्री एट वन नहीं आएगा इसकी जगह आएगा वन थ्री थ्री वन ठीक है तो ये वाला जो है वो गलत हो गया चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रैंकिंग में से सैम रैंक नाइन फ्रॉम द टॉप एंड थर्टी एट फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास आपने बताना है इन दोनों के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स फोर्टी एट इसका सही आंसर है फोर्टी सिक्स स्टूडेंट्स होंगे कैसे होंगे आइए यहाँ पे देखिए आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन यू फाइंड दैट द ट्रेन वुड वांटेड टू कैच इज जस्ट टू स्टार्ट एंड देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर परचेजिंग द टिकट द बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू ऑप्शंस आपके पास दिए हैं सही आंसर है रश टू द ट्रेन रादर देन मिस इट एंड इन्फॉर्म द टी टी आई एट द स्टॉप एज अबाउट यूर इन एबिलिटी टू परचेज द टिकट सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे यह आपके पास डीआई से है आपके पास ये डेटा दिया, दिया हुआ है आपने इसको अच्छे से देखना है और तीन से चार क्वेश्चन इसमें से हैं इसी ग्राफ में से पहला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच बी टू फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच बी फोर फॉर बोथ ईयर्स टू थ्री टू इज टू थ्री थ्री इज टू फाइव फोर इज टू फाइव सेवन इज टू नाइन द करेक्ट आंसर इज सेवन इज टू नाइन सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया है नेक्स्ट है टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच बी सिक्स फॉर बोथ द ईयर्स इज वाट

ऑप्शंस दिए हैं सही आंसर है 87.5% सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन थाउज़ेंड नंबर्स फॉर द ईयर 2000 73 80 83 88 द करेक्ट आंसर इज 80 सो बी विल बी द राइट आंसर हियर ठीक है अब चलो कंप्यूटर के थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बर्ग अवेलेबल एट इंटरनेट उसको क्या कहते हैं वर्जन कहते हैं एड ऑन कहते हैं ट्यूटोरियल कहते हैं पैच कहते हैं इसको हम पैच कहते हैं सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्राम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनेट से इंटरनेट से जब आप कंप्यूटर में अपने कुछ ट्रांसफर uh, करते हैं फाइल उसको क्या कहते हैं अपलोडिंग फॉरवर्डिंग एफ टी पी डी डाउनलोडिंग ऑबियसली बात है हम उसको डाउनलोडिंग कहते हैं सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर इज नॉट अ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सेवन जिप विन रिन जिप कम्प्रेस इसका सही आंसर है कंप्रेस सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट सेटिंग कंप्यूटर नेम कोड पैनल कंट्रोल पैनल ये हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन कैन बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स टू टू फाइव वन टू फाइव टू टू नाइन वन टू ट्वेंटी द करेक्ट ऑप्शन इज टू टू फाइव टाइम्स सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सबसे पहले आया था वर्ड परफेक्ट लोटस नोट्स एम एस वर्ड वर्ड स्टार इसका सही आंसर है वर्ड स्टार सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेल का हेडक्वाटर कहाँ पर लोकेटेड है वाशिंगटन uh, में एरिजोनिया में कैलिफोर्निया में वर्जीना में हमें पता है कि कैलिफोर्निया में है संता क्लारा कैलिफोर्निया सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म टू आस्क द कंप्यूटर टू पुट इंफॉर्मेशन इन वर्ड न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली क्रॉप रिपोर्ट रिकॉर्ड सॉर्ट इसको हम कहते हैं सॉर्ट सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है व्हाट डज ई पी रोम स्टैंड फॉर ए पी रोम आ, किसके लिए है तो इसका जो आंसर है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज विंडोज 98 एट पैसकल फोट सी प्लस प्लस तो इसका आंसर है विंडोज 98 ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है आपने बताना है विंडोज़ 98 कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो आखिर क्या है नेक्स्ट हमारे पास है इनमें से वेब ब्राउजर क्या है अ काइंड ऑफ स्पाइडर

will be the right answer next है ये आपके पास दिया हुआ है ये क्या है किसकी एग्जांपल है ये एक यूआरएल है एक्सेस कोड है डायरेक्टरी है सर्वर है हमें पता है ये यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये सो ये हमारे पास हो जाएगा ए ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है डॉट जे पी जे एक्सटेंशन यूजली रेफर्स टू वाट काइंड ऑफ फाइल ये सिस्टम फाइल है एनिमेशन मूवी फाइल है एम एस एंड कार्टर डॉक्यूमेंट है इमेज फाइल है इट इज़ एन इमेज फाइल सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज नाइन्टी फाइव विंडोज़ नाइनटी एट विंडोज़ एंटी ये किसकी एग्जाम्पल है यही क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा नहीं बताया है अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो ये एक प्रोसेसर है डोमेन नेम है मॉडेम है ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें पता है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी ऑफ़ फिजिकल इक्विपमेंट वो कौन से होते हैं वो होते हैं सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टिपिकली यूज फॉर यू एन आई एक्स डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ़ दीज में ये, ये यूज होता है सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है वो वो उसको हम क्या बोलेंगे प्रोसीजर फंक्शन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन उसको हम बोलेंगे प्रोसेस सो सी विल बी द राइट आंसर कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो गए अब हमारे पास है इंग्लिश uh, के क्वेश्चन हर थिंकिंग लीन्स डैश डैश डेमोक्रेसी विद टुवर्ड्स फॉर नन ऑफ द अब इसका आंसर है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी हर थिंकिंग लीन्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइनोनियम बताना है आपने बैरन का अनप्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल गुड होलसम हमें पता है बैरन वो लैंड होता है जो अनप्रोडक्टिव होता है जिसमें कोई खा खे जिसमें कोई भी फसल वगैरह नहीं उगती है सो ये अनप्रोडक्टिव होगा तो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है एंटोनियम जुडिशियस का एंटोनियम क्या होगा फॉर्चून इरेशनल ऑथेंटिसिकेट सेट सेटिराइज इसका जो सही आंसर है वो है इरेशनल अपोजिट है जुडिशियस का इरेशनल सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड आपने बताना इनमें से सही स्पेल्ट कौन सा है वो है इनकम्पेंट सो डी विल बी द राइट आंसर ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट है ऑन थिन आइस का क्या मतलब होता है ऑन थिन आइस टू एंड्योर अ हार्श विंटर इन अ

थेफ्ट आपने चेंज करना है इसका जो आंसर होगा वो होगा इंजीनियर आई इंजीनियर एन इंजीनियर द इंजीनियर नो आर्टिकल शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है माई सिस्टर विल कम इन अ डे एन डे द डे नो आर्टिकल आर टू माई सिस्टर यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा

वो है रशिया <coughs> रशिया से रिलेटेड है ये ठीक है सो सी विल बी द राइट आंसर हियर अगला हमारे पास क्वेश्चन है द रोम डेक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच एसोसिएशन रोम डेक्लेरेशन किससे रिलेटेड था ये था जी ट्वेंटी से रिलेटेड ठीक है जी ट्वेंटी में रोम डेक्लेरेशन uh, के बारे में बताया गया था इसमें हमने कोविड कोविड में जो वैक्सीनेशनकरण है उसके बारे में बताया था सो जी ट्वेंटी विल बी द राइट आंसर बी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ बर्बाडोस विच बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएसट रिपब्लिक बर्बाडोस जो है न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ठीक है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक तो पहले प्रेसिडेंट यहाँ के कौन बने हैं इसका आंसर है डेम सेंड्रा मैसन सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास है विच सिटी हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस कौन सी सिटी वर्ल्ड की पहली सिटी बनी है uh, पहली गवर्नमेंट है उसकी जिसने पेपरलेस कंप्लीटली कर दिया है मॉस्को दुबई न्यूयॉर्क या धाबी करेक्ट आंसर है दुबई सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई ऋषभनाथ आल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहते हैं ड्यू टू हाइट फर्स्ट टू टेल मोक्षा मार्ग रिलीजियस कन्वर्जन शोइंग द द द पाथ पाथ ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज ही फर्स्ट टू टेल सो बी बी विल राइट आंसर जो जो दोबारा दोबारा हम जन्म लेते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया था इसलिए इनको आदि ब्रह्मा कहा जाता है सो बी विल बी द राइट आंसर टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला ये किसके टाइम पे पेट्रोनाइज हुई थी पालाज

कौन से बुद्धिस्ट मॉन्स से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था कि उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया इसका आंसर है उपागुप्ता उपागुप्ता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रूलर ने जर्निज्म को एम्ब्रेस्ड किया था जैनिज्म को अडॉप्ट किया था मौर्य बिंदुसार अजातशत्रु पुल, पुलके सेन इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है वो इनमें से किस वेद में हुआ था ऋग्वेद में सामवेद में यजुर्वेद में अथर्ववेद में इसका सही आंसर है अथर्ववेद में तो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर वैदिक पीरियड की दो पॉपुलर असेंबलीज के नाम क्या है बहुत बार बहुत जगह आपने पढ़ा होगा लेकिन शायद गौर नहीं किया होगा तो यहाँ पे देख लो कौन कौन सी है सभा एन महासभा महासभा एंड घना सभा सभा एंड समिति उर एंड कुला यह है सभा एंड समिति ठीक है सो सी विल बी द राइट आंसर लूसन की किताब में भी आपको मिल जाएगा इन द अर्ली वैदिक पीरियड वरना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन अर्ली वैदिक में वर्णा सिस्टम किस पर बेस था एजुकेशन बर्थ ऑक्यूपेशन, टैलेंट पहले ये ऑक्यूपेशन पे अर्ली वैदिक में ऑक्युपेशन पे था लेटर वैदिक में बर्थ पे था यहाँ पे आंसर हमारे पास सी हो जाएगा नेक्स्ट है फेमस वेदिक सेंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन ये किसने कहा है किस में कहा गया है इसका जो सही आंसर है यह है ये भी अथर्ववेद में ही कहा गया था जो लड़ाई है वो दिमाग में ही शुरू हो जाती है हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवा पांच पांडव थे इनमें से सबसे बड़ा कौन था युधिष्ठरा भीम सहदेव नकुल इसका सही आंसर आंसर है युधिष्ठर सबसे बड़ा था सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है जेंडर इक्विटी क्लाइमेट एक्शन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर लाइफ बिलो वॉटर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पर्टिकुलरली सस्टेनेबल गोल्स में नहीं मैंशनड है सो सी विल बी द राइट आंसर

तो डिक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम डिक्रीज देन इंक्रीज इंक्रीज देन डिक्रीज रिमेन्स द सेम इसका आंसर है पहले ये इंक्रीज होता है फिर ये डिक्रीज होता है सो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म इनमें से सबसे ज्यादा प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म कौन सी बैक्टेरिया प्रोटोजोवा वायरस ब्रू गिन एलगी इट इज बैक्टेरिया ठीक है सो ए विल बी द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेज गुनिया वाल पॉक्स पोलियो इनमें से कौन सी इराडिकेट हो गई है इंडिया से अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इनमें से तीनों ही इंडिया से इराडिकेट हो गई है सो आंसर विल बी डी डी विल बी द राइट आंसर